सुप्रभात मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है कक्षा आठवीं के 8 पाइन के ई लर्निंग हिंदी के स्काइप के ऑनलाइन क्लासेस में। ये हमारे थर्ड लैंग्वेज की कक्षा है। कुछ विद्यार्थियों को गुजारिश की जा रही है कि वो कृपया अपने माइक्रोफोन को म्यूट मोड पर कर लें। तो विद्यार्थियों, आज मुझे आप लोगों से ढेर सारी बातें करनी है। बहुत दिनों से हम लोग पढ़ाई लिखाई यही सब कर रहे हैं, कभी बातें करने का मौका नहीं मिला है। तो मैं चाहती हूँ कि आप भी मेरे साथ इंटरैक्ट करें, और यदि आपको कोई उत्तर देना है तब आप जो है अपना माइक्रोफोन अनम्यूट करके भी उत्तर दे सकते हैं, नहीं तो चैट के ज़रिए उत्तर दे सकते हैं। सुप्रभात सभी को, सभी को सुप्रभात। तो विद्यार्थियों, बात दरअसल ये है कि काफ़ी समय हो गया है हमने आप लोगों को आमने सामने देखा नहीं है, जिसको कहते हैं फेस टू फेस इंटरैक्शन। काफ़ी समय हो गया है ऐसा हुए हुए, इसलिए आप लोगों के चेहरे, आप लोग का वो रिस्पॉन्स, वो आप लोगों की मुस्कान बहुत खल रही है, इस चीज़ की कमी खल रही है। क्या आप लोगों को भी विद्यालय की याद आ रही है? मैं आपसे जानना चाहती हूँ। जी बिल्कुल, हाँ त्रिजीत ओशी, सही में कितने दिन हो गए बोलिए तो। वही कक्षा, वही बातें, फिर कभी कभी मेरा नाराज़ होना आपसे, कभी कभी आप लोगों का आकर शिकायत करना, काफ़ी हम लोग इस चीज़ को मिस कर रहे हैं। 6 मंथ्स, यस ओशी, 6 महीने कुछ कम नहीं है, काफ़ी मिस कर रहे हैं हम। तो आप लोगों को क्या लगता है, ये जो परिस्थितियां हैं, क्या ये हमेशा ऐसे ही बनी रहेंगी, या कभी जो है हम इन परिस्थितियों से उबर कर बाहर आ पाएंगे? एक और प्रश्न मेरा आप लोगों से है, क्या आप लोग इस परिस्थिति को बनाए रखना चाहते हैं या फिर आप इससे बाहर आना चाहते हैं? ये भी मेरा सवाल है आपसे। नहीं, अच्छा नहीं लग रहा है ना निकिता? बहुत दिनों बाद निकिता, कैसे हो बेटा? ठीक है निशात, ऑड्री, कितने दिन हो गए ना आप लोगों के नाम लिए हुए। तो इसका मतलब यही है कि जैसे हम अध्यापक अध्यापिकाएं आप लोगों की मौजूदगी को कक्षा में मिस कर रहे हैं, इसी तरह से आप लोग भी विद्यालय में आना, शिक्षार्थियों के मतलब शिक्षकों के समक्ष आना, ये आप लोग भी कहीं ना कहीं मिस कर रहे हैं। इसकी कमी आप लोगों को भी खल रही है। लेकिन जानते हो विद्यार्थियों, चाहे कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो जाए, लेकिन कठिन से कठिन परिस्थिति से भी हम बाहर आ सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि इस परिस्थिति का भी एक दिन अंत होगा और हम विजयी होकर इस परिस्थिति से बाहर आ पाएंगे? तो इसी विषय पर चर्चा करते हुए मैं आप लोगों से दो एक पंक्ति शेयर करना चाहूँगी। एक पंक्ति है, चलिए मैं बोल देती हूँ आप लोगों को। करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान। ज़रा ध्यान से सुनिएगा। हाँ मैं ठीक हूँ बच्चों, मैं ठीक हूँ। तो पंक्ति कैसी है कि करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर पड़त निशान। करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। शायद आप लोगों ने यह पंक्ति कहीं सुनी होगी, नहीं भी सुनी होगी। क्या मतलब समझ में आया है आप लोगों को?
नहीं, हाँ आप लोगों को मतलब समझ में नहीं आया है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन्हीं पंक्तियों के अंदर एक सुंदर सी कहानी छिपी हुई है, एक प्रेरणार्थक कहानी, इंस्पिरेशनल स्टोरी। ठीक है बच्चों, तो चलिए आज सबसे पहले मैं आप लोगों को इन्हीं पंक्तियों के माध्यम से एक इंस्पिरेशनल स्टोरी, एक प्रेरणार्थक कहानी सुनाती हूँ। बात दरअसल बहुत पुरानी है, बहुत पुराने ज़माने की बात है। एक आप लोगों की ही तरह बालक हुआ करता था, उस बालक का नाम था वरदराज। क्या नाम था? वरदराज। ये जो वरदराज नामक बालक था, यह बालक वैसे तो बहुत हृष्टपुष्ट तंदुरुस्त था, लेकिन पढ़ने लिखने में उसकी खास मति नहीं थी, बुद्धि नहीं थी, वो ज़्यादा अच्छे से पढ़ लिख नहीं पाता था। ठीक है, तो क्या होता था कि मतलब जो बाकी भाई बंधु जो उसके साथ शिक्षा ग्रहण कर रहे थे, वो लोग हमेशा उसको पीछे छोड़कर आगे बढ़ जाते और वो पिछली कक्षा में ही रह जाता। तो गुरुजी काफ़ी दिनों से इस बात को लेकर बहुत परेशान भी थे और जो है वो इस बात के ऊपर खास तरीके से गौर कर रहे थे। इसलिए उन्होंने क्या किया कि उन्होंने इस वरदराज नामक बालक को अलग से कक्षाएं करवाईं, उसको खास तरीके से पढ़ाया कि उसको अगर एक साथ समझ में नहीं आ रहा है झुंड में, तो उसको अकेले बैठ के वन इन वन कॉन्वर्सेशन जैसे होता है, इस तरह से पढ़ाया जाए। तो ऐसे ही उन्होंने पढ़ाया। उसके बाद आई वार्षिक परीक्षा की बारी, लेकिन फल वही, वरदराज इस बार भी वार्षिक परीक्षाओं में उत्तीर्ण ना हो पाया। लोग तो ऐसे भी कहते कि जब ब्रह्मा जी अकल बांट रहे थे तब ये सो रहा होगा। इस प्रकार से उसके बाकी साथी उसका मजाक उड़ाया करते। यही सिलसिला चले जा रहा है, चले जा रहा है। अब ऐसा होते होते क्या हुआ, एक दिन गुरुजी ने कहा, बेटा ये पढ़ाई लिखाई तुम्हारे बस की बात ना है, तुम पढ़ाई लिखाई नहीं कर पाओगे। तो वो बहुत दुखी हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं उसको भी लगा, हाँ भाई गुरुजी ने इतनी कोशिश की, मेरे दोस्तों ने भी मेरे साथ कोशिश की, हुआ तो नहीं, तो ठीक है फिर मैं क्या करूँ। तो गुरुजी ने बोला, बेटा तुम घर वापस चले जाओ। तो वो घर के पथ पर निकल पड़ा। गुरुजी ने जाते वक्त, काफ़ी लंबा सफ़र था और तब के ज़माने में तो गाड़ी वगैरह की सुविधाएं नहीं थी, पैदल ही उसको रास्ता तय करना था, तो थोड़े सत्तू, ठीक है सत्तू थोड़े उसको बांध दिए गुड़ के साथ और वो चल दिया। बहुत भारी मन से एक एक पैर रखते रखते वो जा रहा था। उसके मन में बार बार एक टीस सी अनुभव हो रही थी, मेरे माता पिता ने किस उम्मीद से मुझे यहाँ भेजा था गुरुकुल में, और मैं कैसे वापस जा रहा हूँ। ऐसे चलता चलते चलते मन भी भारी था और रास्ता भी लंबा था, गर्मी का मौसम था, उसे बहुत प्यास लगती है, थकान का अनुभव होता है। तो पेड़ की एक छांव में अपने पोटली को रख के वो सोचता है कि थोड़ा पानी ले लेता हूँ, सत्तू भी खा लूँगा, थोड़ा विश्राम करके फिर आगे बढ़ूँगा। तो वो देखता है कि सामने ही एक कुआँ है, वहाँ जाता है। जाकर देखता है कि वहाँ पर कुछ औरतें जो हैं पानी भर रही हैं। उसको लगता है कि औरतें पानी भर रही हैं, इन्हीं से पानी मांग लिया जाए। वो ऐसा ही करता है, वो पानी मांग लेता है उन लोगों से। तो बहुत लंबी लाइन थी, उसको थोड़ा इंतज़ार करना पड़ता है। जब तक वो इंतज़ार कर रहा होता है, वह देखता है कि कुएं की जो जगत है, ये जो कुआं होता है, कुएं के ऊपर एक मेड़ बनी होती है, उसके ऊपर से ऊपर एक चक्री लगी रहती है जिसको पुली कहते हैं इंग्लिश में, उसके ऊपर रस्सी लपेटी हुई है और रस्सी जो है बार बार कुएं की जो जगत है उसके ऊपर से आ जा रही है। और क्या हो रहा है, पानी भर के मिट्टी का जो मटका है उसको नीचे जो एक फर्श बना हुआ है उसके ऊपर रखा जा रहा है। ये देखता है वरदराज
कि ये जो रस्सी बार बार आया जाया कर रही है, इसी रस्सी तो एक रेशम की एक कोमल सी चीज़ है, उससे वो जो कुएं की जो पत्थर की बनी जगत है, कुएं की जो पत्थर की बनी मेड़ है, बाउंड्री है, उसके ऊपर निशान पड़ रहा है, वो कट रहा है, बार बार घिसने से रस्सी उसमें कटाव आ रहा है, उसमें दरार आ रहा है। इसी तरह से मिट्टी का बर्तन, जो कि वैसे तो अगर एक छोटा सा कंचा भी मार दिया जाए तो फूट जाता है, वो बर्तन भी जिस फर्श पर बिठाया जा रहा है, वो तो एकदम कंक्रीट का फर्श है, उसके ऊपर बिठाया जा रहा है, उसके ऊपर बार बार उस पात्र को एक ही जगह पर रखते रखते सालों से उसके ऊपर भी निशान पड़ गया है। तो ये देखकर उसके मन में बिजली सी कौंध जाती है, लाइटनिंग इफेक्ट हो जाता है। उसको लगता है कि अरे वाह, एक कोमल सी रस्सी और एक कच्चा घड़ा बार बार इतनी सख्त चीज़ों पर अगर रखी जाए और घिसी जाए, तो अगर वो अपना छाप छोड़ सकती है, तो मैं यदि बार बार मेहनत करूं, तो क्या मेरी मोटी अकल, जो लोग कहते हैं, वो उसके ऊपर निशान नहीं पड़ेगा, उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा? उसको ये बात लगी। यही मैंने जो पहले पंक्ति कही, देखिए, करत करत अभ्यास के, बार बार अभ्यास करने से, एक्सरसाइज करने से, जड़मति होत सुजान, जिसकी बुद्धि जड़ हो गई है, रुकी हुई है, निर्जीव है, वो सुजान, वो ज्ञानी बन सकता है। रसरी आवत जात है, रस्सी जो बार बार आ जा रही है, रसरी आवत जात ते सिल पर पड़त निशानी, जो सिल है, जो पत्थर का फर्श है, उसके ऊपर भी निशान पड़ता है। तो यह सोचकर उसने कुछ नहीं आगे पीछे सोचा, ना आओ देखा ना ताओ, अपना पोटला उठाया और चल दिया आश्रम के रास्ते वापस चला गया। इस बार उसके कदम भारी नहीं थे, जैसे लग रहा था उसके पाँव में पंख लग गए हैं। जैसे ही वो पहुंचता है, गुरुजी उसको सवालों में घेर लेते हैं, तुम वापस क्यों आ गए? तो वो अपनी ये पूरी गाथा गुरुजी को सुनाता है। तो गुरुजी भी उसको एक मौका देते हैं। आज तक उसने क्या देखा था? गुरुजी ने मेहनत की, उसके दोस्तों ने मेहनत की, लेकिन उसके मेहनत में कमी रह गई थी। तो वो मेहनत करना शुरू करता है, मेहनत करता है, मेहनत करता है, और अंत में जाकर जानते हैं, यही वरदराज लघु सिद्धांत कौमुदी नामक किताब का रचयिता बनता है। लघु सिद्धांत कौमुदी नामक किताब का रचयिता बनता है, बहुत बड़ा विद्वान होता है, जगत में उसका बहुत नाम होता है। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि मैडम ने हमको ये कहानी क्यों सुनाई, तो इस कहानी से हमको क्या शिक्षा मिलती है, ये मैं आपसे ही जानना चाहूँगी। चलिए आप लोग मुझे बताइए, मैंने आज आपको ये कहानी क्यों सुनाई, या आपने इस कहानी से क्या सीखा? मुझे आपके रिस्पॉन्स का इंतज़ार है। बताइए विद्यार्थियों, मुझे आपके रिस्पॉन्स का इंतज़ार है। कोई बताना चाहेगा मैंने आपको आज ये कहानी क्यों सुनाई? तो विद्यार्थियों, इस कहानी को आप लोगों को सुनाने का मेरा एक ही मकसद था, वो ये कि मैं आप लोगों को समझा पाऊँ कि ये जो परिस्थिति है, ये भी एक कठिन परिस्थिति है, लेकिन इस परिस्थिति से यदि हम लड़ेंगे, इस परिस्थिति से यदि हम वापस आना चाहेंगे, मन में विश्वास रहेगा, हौसला रहेगा, तो एक दिन हम भी वापस आ पाएंगे और पुनः अपनी पुरानी जगह को वापस पाएंगे। और इसके लिए हमको हाथ पर हाथ धरे बैठे नहीं रहना है, हम विद्यार्थी और हम शिक्षक मिलकर कोशिश करेंगे तो हम इस कोरोना के समस्या को भी जीत सकते हैं। ठीक है विद्यार्थियों, तो चलिए
अभी हम लोग जो है कुछ बोलना चाह रहे हैं निकिता? हाँ बोलिए बेटा। मुझे आपके रिस्पॉन्स का इंतज़ार है। आप लोग रिस्पॉन्ड करते हैं तो कहीं ना कहीं हम शिक्षकों के मन में भी यही फीलिंग आता है कि मेरे बच्चे मेरे साथ ही हैं, है ना? ठीक है बच्चों, तो हम लोगों ने पुनरावृत्ति का पाठ हम लोग कर रहे थे, दो पाठ कर लिए थे। तीसरा पाठ जो है उसका नाम है मिलकर खेलें। उसकी कहानी आप लोगों ने सुनी थी कि किस प्रकार से जो है स्नेहा नाम की एक लड़की अपने घर के आंगन पर उदास बैठी हुई थी। उसकी माँ बहुत दिनों से बीमार चल रही थी और इसलिए उसके पिताजी उसको अस्पताल लेकर गए थे। तभी गली में एक खिलौने वाला आता है और खिलौने वाले की आवाज़ सुनकर स्नेहा के मन में उमंग दौड़ जाती है। स्नेहा दौड़ कर जाती है, कोशिश करती है कि वो जो है मतलब जा कर के खिलौनों को खरीदे, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाती है क्योंकि उसके माता पिता घर पर नहीं हैं, उसके पास पैसे भी नहीं हैं खिलौने खरीदने के लिए, तो बहुत दुखी हो जाती है। ऐसे ही रहते रहते अचानक क्या होता है कि वो बाहर झांकती है, देखती है सभी बच्चे खिलौने वाले को घेर कर खड़े हैं और जो है मतलब बहुत सारे बच्चे बहुत सारे खिलौने खरीद रहे हैं। उसको बहुत दुख होता है लेकिन क्या करे, कुछ कर नहीं सकती है, तो दुखी होकर चुपचाप बैठी रहती है। फिर उसके दोस्त उससे पूछते हैं कि स्नेहा क्या तुमको कुछ खरीदना नहीं है? तो स्नेहा जो है कुछ कह नहीं पाती है, बस चुपचाप रहती है। फिर कुछ देर बाद सभी बच्चे जो हैं उसके दरवाजे पे नॉक करते हैं, उससे मिलने आते हैं और आ करके क्या करते हैं, सभी अपने खिलौने उसको दे देते हैं, बोलते हैं स्नेहा तुम्हारा जो मन चाहे तुम उससे खेलो। तो स्नेहा बहुत हैरान हो जाती है। तो उसके दोस्त उसे कहते हैं देखो भाई हम सबके पास तो एक एक खिलौना है, लेकिन तुम तो इतनी भाग्यशाली हो कि तुम्हारे पास इतने सारे खिलौने हैं, अब तुमको जो खिलौना मन में आए तुम उसको उठाकर उससे खेल सकती हो। स्नेहा बहुत खुश होती है, सारे खिलौने से खेलती है और अपना दुख भूल जाती है। तभी आरती दीदी कहती है, दिखाते हैं कि आरती दीदी दूर से देख रही है और बहुत खुश हो रही है, क्योंकि आरती दीदी ही वो है जिन्होंने ये सलाह दी थी कि ये जो खिलौने हैं बच्चे, आज उसकी माता उसके साथ नहीं है, उनकी दोस्त अकेली है, तो उनके साथ जाकर उसके साथ अपने खिलौनों को बांट कर खेलें जिससे कि उसके मन में कोई दुख ना हो। और यही सीख देने के बाद खुशी खुशी आरती दीदी वहाँ से चली जाती है। तो हमको भी यही सीख मिलती है कि कभी भी किसी को अकेले नहीं छोड़ना चाहिए। आज के परिस्थिति में भी यदि कोई परेशान है, थोड़ा डाउन है, तो हमको उसको अकेले नहीं छोड़ना चाहिए, हम सबको जाकर मिलकर उसके साथ एकजुट होना चाहिए, उसका मनोबल बढ़ाना चाहिए। आप बोलेंगे मैडम हम तो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके भी आप यदि केवल उससे दो बातें कर ले, दो रोज़ उसका सुबह शाम खबर ले ले, तो यही बहुत है यकीन मानिए उसके लिए अपने बीमारी से लड़ने के लिए और इस विपरीत परिस्थिति से बाहर आने के लिए। इसलिए हमें हमेशा मिलजुल कर रहना चाहिए। तो अगली कक्षाओं में हम पुनरावृत्ति के पाठ को आगे बढ़ाएंगे। बहुत अच्छा लगा इतने दिनों बाद आप लोगों से बातचीत करके। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।